बताइए। और आज अपने फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लिख रहे हैं और आज की वीडियो बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट DS6 बाइक पर। इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने भाई के चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे कि आपको बताया, आज का वीडियो बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट DS6 बाइक के बारे में। और आज इस वीडियो के अंदर आपको भाई प्राइस के बारे में बताने वाला है, लॉन्च डेट बताएगा कब लॉन्च ये बाइक लॉन्च हो जाएगी और इसमें क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं और ये कब तक आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्राइस क्या रहने वाला है। तो अभी जो BS4 है उसका प्राइस है एक शोरूम 70,000 रुपये और ऑन रोड प्राइस 82,000 रुपये। ठीक है, तो मतलब जब ये आएगी तो इजीली 5-7,000 रुपये अप होकर आएगी, है ना। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर जो इंजन होने वाला है वो 4-stroke 2-bore twin स्पार्क BS6 कॉम्प्लीमेंट DT ऐसा इंजन होने वाला है और 124cc.4cc का इसका इंजन होने वाला है। तो मतलब अभी बजाज की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही मुझे पता लगा है तो बजाज ने बोला था अभी तक आ जानी चाहिए, अगर आनी होती तो। अब लॉकडाउन आ चुका है तो लॉकडाउन के बाद ही आई अगर आनी होगी, लेकिन इससे बेहतर तो मुझे वो लगती है 150 बजाज पल्सर जो कि स्प्लिट सीट में, आप वो भी ले सकते हो अगर आप क्या पता इसका कंफर्म नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी। तो फिर मैं आपको इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ, 124cc का रहेगा इसका और इसकी पावर रहने वाली है 12 PS एंड 8.5 RPM की एंड टॉर्क रहने वाली है 11 Nm एंड 6.5 RPM की। तो एंशियंट टाइप जैसे कि आप पता है BS6 बाइक रहने वाली है, BS6 इंजन रहेगा इसका, बोल इसमें 56 Nm और स्टॉक 50.5 Nm का रहने वाला है और नंबर ऑफ सिलेंडर 1 रहेगा। ड्राइव पे इसमें चेन ड्राइव बल्ब पर सिलेंडर 2 देखने मिलेंगे। फ्यूल टाइप जैसे कि आपको पता है पेट्रोल है और इग्निशन ड्राइव ड्यूल डिजिटल इग्निशन रहने वाला है। कंप्रेशन 10.3:1 रहने वाला है। ट्रांसमिशन इसमें मैनुअल रहेगा और नंबर ऑफ गियर्स 125cc की बाइक है तो 5 गियर्स रहेंगे सिर्फ अपने ही जाने वाले। अब ब्रेक्स की बात करते हैं तो ब्रेक्स में फ्रंट ड्रम में रह सकता है और रियर डिस्क में। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस इसमें 50 के अप्रॉक्स रहेगा सिटी के अंदर, हाईवे के अंदर 56। और जैसे सस्पेंशन की बात करते हैं, फ्रंट सस्पेंशन इस पर टेलीस्कोपिक आने के चांसेस है और रियर सस्पेंशन इसमें ट्विन गैस शॉक में, जैसे इसमें सिंगल डाउन ट्यूब फ्रेम में। और टायर्स व्हील्स की बात करते हैं तो टायर वही सेम मिलेगा जो मतलब कि 125cc में मिलता है बजाज पल्सर की। तो टायर्स में 80x100-17 का, रियर टायर्स में 100x90-17 का है। व्हील साइज में 431.8 mm के रहेंगे दोनों ही। टायर टाइप में ट्यूबलेस देखने को मिलेगा, व्हील टाइप में अलॉय देखने को मिलेगा। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में 1320 व्हील बेस रहेगा। लेंथ इसमें 2055 mm की रहेगी और ग्राउंड एंड क्लियरेंस 165 mm का और हाईवे इसके अंदर 1060 mm की और विड्थ है 755 mm की और फ्यूल कैपेसिटी 11.5 लीटर की रहने वाली है इसके अंदर। फ्रंट ब्रेक डायमीटर 240 mm का है और रियर ब्रेक डायमीटर 130 mm का है। इलेक्ट्रिकल बात कर लेते तो इलेक्ट्रिकल बैटरी का इसमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, MF जो कि मेंटेनेंस फ्री होती है जिसमें कोई खर्चा नहीं आता। अब प्लेट लैंप्स इसके अंदर देखने मिलेगी और LED टेल लाइट भी देखने को मिलेगी और टर्न सिग्नल लैंप इसमें बल्ब में देखने को मिलते हैं। जब ये बाइक आएगी तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्चिंग के साथ आएगी और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स अपडेट होके आएंगे, लेकिन इसके मैं बता दूँ चांसेस 50-50 है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, क्योंकि आनी होती अभी तक आ चुकी होती, क्योंकि बजाज की तरफ से काफ़ी सारी बाइक्स आ चुकी है तो ये भी आ जानी चाहिए थी। तो मेरी मानो तो मतलब बजाज पल्सर 150 इससे ज़्यादा बढ़िया है और इससे ज़्यादा कम्फर्टेबल है, उसकी तरफ जा सकते हो इजीली। वीडियो देख चुके हो, वीडियो काफ़ी अच्छा था, आपको पसंद आया तो वीडियो एक लाइक कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है आपके एक लाइक से आपको भाई काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और कमेंट्स होता है वीडियो कैसे लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए, आपको भाई आपके सारे कमेंट्स पर रिप्लाई देता है और उसी टॉपिक पर वीडियो होना तो जिस टॉपिक आप बोलते हो। अगर आप अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपका सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।